सा मुद्दा होगा जिसको देख के यहाँ के मतदाता, यहाँ की जनता वोट करेगी। फिलहाल चाय का आनंद ले रहे विंजोल चौकरी में, आपकी दुकान है, क्या नाम है सर आपका? मैं राठौड़, वेलूभा दौलत सिंह राठौड़, नागेश्वरी पान सेंटर। सर कितने साल से दुकान है आपकी? मैं 15-16 साल से ही रोड पे। 15-16 साल से, काफी लंबा अनुभव है आपको। जब यहाँ पे लोग चाय पीने आते हैं, और क्योंकि गुजरात पूरे चुनाव के मोड में है, क्या क्या बातें करते हैं चाय पीते हुए? सबसे पहले तो विकास की बात करते हैं। विकास बहुत अच्छा हुआ, विकास गांडा नहीं हुआ, विकास अच्छा हुआ है। और बोलते हैं सबको एक ही मनते, भाजप को लाओ, अच्छा काम किया है, अपने बढ़िया विकास हुआ है, उस पे मोड़ पे देख के अपने कुछ चुनाव में नया नतीजा लाए। चलिए आपसे बात करने आएंगे, फिलहाल एक अच्छी चाय पिलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चाय पे चर्चा इसलिए अहम है कि चाय, अगर चाय में चीनी और चाय पत्ती, दूध और सबका मिश्रण सही ना हो तो चाय का जायका जो है वो बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे इसी तरह चुनाव को देखा जा सकता है कि अगर वादे और विकास और कानून व्यवस्था, इन सब को मिला दिया जाए, अगर इसकी इसका रेशियो जो है वो ठीक ना हो तो चुनाव का जायका भी बिगड़ सकता है। फिलहाल किसका चुनाव का जायका बिगड़ेगा, किसके वो कौन सी पार्टी होगी जिसका इस बार चुनाव में, जिसे जनता वोट करेगी, जनता का क्या मत है, क्या रुख है, ये भी जान लेते हैं। सर पहला सवाल तो आपसे, विकास कहते हैं, बीजेपी सरकार कहती है कि विकास हुआ है, और कितना आपके नजर में लगता है कि विकास हुआ है? विकास की बातें जरूर हुई है, विकास के मुद्दे के लिए यहाँ कुछ आप जिस रास्ते से आए, आपने रास्ते में गड्ढे देखे होंगे, आजू बाजू आप यहाँ से नजर फैला सकते हो, आपको विकास के नाम पे शून्य दिखाई देगा। जिस किसी ने कहा है कि विकास गॉन क्रेजी, विकास गांडो थे हो जाए, विकास पागल हुआ है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रही है, मुझे याद है हम लोग जो शहरी प्रजा है, हम महत्वाकांक्षी लोग हैं, हम एम्बिशियस लोग हैं, और जो मोदी जी है और अमित जी जो है, उन दोनों ने बड़े बड़े सपने दिखाए लोगों को, बड़ी बड़ी बातें की, आप लोगों की लाइफस्टाइल का स्तर ऊंचा चला जाएगा, गाड़ियां बढ़ रही है, विकास हो रहा है। तो एम्बिशियस लोग जो थे, महत्वाकांक्षी जो खासकर शहरों में रहते हैं, उन लोगों ने विकास के नाम पे वोटिंग किया है, एक बार मोदी को जिताया, पर अब जनता जाग चुकी है। पिछले तालुका पंचायत और जिला पंचायत में 33 में से 26 में जनता ने हमें बहुमत दिया है, कांग्रेस को बहुमत दिया है, और आने वाले चुनाव में अब जब जनता जाग चुकी है, तब जाके कोई भी विकास के नाम पे एटलीस्ट मोदी जी को या मोदी जी की सरकार को कभी कोई वोट नहीं देगा, और आने वाले दिनों में कांग्रेस ही आएगी और जंगी बहुमत। चलिए वो कौन पार्टी आएगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। आपसे वही सवाल, कितना विकास आप देखते हैं गुजरात में? गुजरात के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, आप गुजरात के रास्ते देखिए, गुजरात के लोगों की जन सुखाकारी के प्राथमिक सुविधा के काम देखिए, गुजरात के अंदर रोजगारी की अवसर देखिए, गुजरात के अंदर नई नई कंपनियां आ रही है, गुजरात के अंदर गुजरात की गवर्नमेंट। सर गुजरात के अंदर बाढ़ भी देखा था हमने, 200 से ज्यादा लोग मरे थे, विकास कहां दिखा वहां पे? गुजरात के अंदर जब बाढ़ आया था, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्र कहां चले गए थे? सत्ता के लालची लोग, उनकी सत्ता बचाने के लिए बाढ़ के अंदर मुसीबत में फंसे हुए लोगों को छोड़ के, उनकी सरकार बचाने के लिए बाहर पर हनीमून मनाने के लिए चले गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बनासकांठा के अंदर पूरा हफ्ता, और जो भी हमारे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने 500 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज जाहिर किया था। सर विकास का कुछ हिस्सा तो हमने भी देखा है, कई जगहों से आए हम, सड़क अच्छी है नो डाउट, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर, अपना देश तो कृषि प्रधान देश है, कई कई जगह पे आपने देखा ही होगा कि कुछ हिस्सों में बारिश ज्यादा हुई है, कुछ हिस्सों में बारिश कम हुई है, साथ में अपना देश एक आर्थिक क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहा है, जैसे कि जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, उसके तहत नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़े फेरफार होने वाले हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर महंगाई के ऊपर हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि इसके अंदर जो भी सुधार करना है, जो भी चेंजेस लाने हैं वो हम लाएंगे, और देश की जनता को जो भी प्राथमिक जरूरियात की चीजें हैं वो आसानी से सस्ते सरल भाव में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन सर सवाल यही है, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी से चीजें महंगी हुई है ऐसा लोग कहते हैं, कितना असर आपके किचन पे, आपके घर पे पड़ा है? अभी देखिए वो तो आपने जो
मेहनत करते हैं, पहले भी करते थे अभी भी करते हैं बराबर। सरकार के दोषी देना एक अथी है बराबर, और सरकार के कोई दोषी नहीं दे सकते। औरत के लिए मैम तो मैं यही बोलते है कि औरत के लिए सरकार सुविधा बहुत अच्छा की है, क्योंकि औरत कभी भी एक बजे दो बजे रात के औरत आ सकता है घूम के अहमदाबाद के अंदर। मगर बाकी एरिया में जाइए, जैसे पटना है, बिहार है, कोई भी इलाका जाइए, इतना निफिकिर औरत कभी घूम नहीं सकता है। इतना सरकार किए है हमारे लिए तो बहुत अच्छा किए है सरकार, और भी पानी की सुविधा, गटर की सुविधा, जो भी सुविधा सरकार दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं दे रहे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि पटेल समुदाय जो है वो नाराज है, पहले आपसे आपके घर की बात कर लेते हैं, किचन की बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं, ये कुछ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है गुजरात में, आप क्योंकि घर का मैनेजमेंट करती होंगे, आपको कुछ परेशानी हुई क्या? जी, मेरा नाम कामिनी सोनी है। अभी देखिए, महंगाई तो सबको पता है कि कितनी हुई है। 22 साल से यहाँ बीजेपी है, जब कांग्रेस थी तो औरतें सब्जी लेने जाती थी ना तो 50 रुपए लेके जाती थी ना, पूरी थैली भर के आती थी। अभी बीजेपी, मैं सिर्फ महिला को लेके चल रही हूँ ना, बीजेपी ना कांग्रेस। मेरे साथ जो मैम बोल रही थी अभी, वो बोलती थी कि बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है, तो मैम मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि वो जब 50 रुपए लेके जाती थी तो सब्जी आती थी, अभी वो क्या 50 रुपए लेके जाएगी तो थैली भर सब्जी लाएगी? थैली भर के नहीं, सिर्फ एक दिन की, एक टक, एक वक्त की सब्जी भी वो 50 रुपए में ला सकती? नहीं ला सकती, क्योंकि इतनी सारी महंगाई, दो तीन जात के तो बीजेपी ने इतने बड़े दिए हैं, जैसे कि नोटबंदी। नोटबंदी है तो सबसे ज्यादा असर महिलाओं पे हुआ है, कि जो उसकी आमदनी थी उसने बचत की हुई थी, जो अपने घर वाले से, अपने सास से उसने बचा के जो पैसे रखे थे ना, काला धन वापस नहीं आया, बल्कि हम जैसी औरतों का जो रुपया था, जो हमने बचत करके रखा था, वो हमारे घर के सामने आ गया। जो घर वाला ऐसे समझता था कि 25,000 रुपया कहाँ से आया, तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते उसको कि 25,000 हमने भाई बचत करके रखा है। वो हमारे जैसे कहीं औरतों पे उसने गलत इल्जाम आए कि 50,000 रुपया तुम लाए कहाँ से, उसका कोई महिला के पास हिसाब नहीं होता। उसके बाद तुरंत जीएसटी डाला, जीएसटी से भी छोटे छोटे जो धन, छोटे छोटे जो बिजनेस थे, गृह उद्योग थे, उस पे बहुत बड़ा झटका आया है। आप देंगी जवाब इनका? अभी देखिए, अपना जो चल रहा है, जैसे मेहनत आदमी कर रहे हैं, कमा खा रहा है, जो भाजप रहेगा तो भी कमाएगा इंसान, कांग्रेस रहेगा तो भी कमाएगा इंसान, बगैर कमाए तो थैली भरता है नहीं। अभी सरकारें बैठा है, जैसे वो मुंह मांगता है तभी वोट मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना लगता है कि गुजरात में विकास हुआ है, विकास की तस्वीर आपको कैसी दिखती है? विकास तो हुआ ही है, बोले किसी को दिखे ना दिखे, पर जनता को तो दिखता है ना। अगर कोई बोलता है विकास नहीं हुआ है, तो विकास नहीं हुआ है तो जब हमारे यहाँ विनोबा भावे नगर की बात करता हूँ मैं, हमारे यहाँ जब 20 साल की मैं बात कर रही है, 20 साल पहले हमारे यहाँ है ना, पानी के लिए जो तकलीफ थी, एक एक महीना हम आजीविका गांव से पानी भर के लाते थे बराबर है, तब विकास को उनको नहीं दिखा था। और अभी हमारा ये भाजपा सरकार आई है, तब से हमको गटर की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। हर बार महीने में 4 बार तो गटर साफ करने के पैसे देने पड़ते थे, तो भी गटर हमारी सुविधा रहती नहीं थी, गंदगी रहती थी। अभी गटर की सुविधा एकदम साफ हो गई है, और पानी का हर रोज पानी आता है, जो एक दो दिन के बाद आता था कभी कभी, और कभी महीना भर पानी नहीं आता था, तो बाजू के गांव से पानी लाना पड़ता था, तो वो सुविधा हमको एक्सेप्ट हो गई अच्छी। सर, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, इतना विकास हुआ है, इतना डेवलप हुआ है, तो पटेल समुदाय नाराज क्यों है बीजेपी से? नहीं, ये तो कांग्रेस की एक षड्यंत्र है, इसमें जातिवाद पे भाजपा की कोई नीति रही नहीं है। उनको बस ऐसा लगा कि भाई लड्डू आ गया है, तो जैसे कि पाटीदार समाज के पीछे थे, जैसे वो जिग्नेश है, वैसे वो बहुत सारे, वो राजनीति हमारे भाजपा में नहीं है, विकास तो हुआ ही है। किस मुद्दे को देख के क्या लगता है गुजरात की जनता वोट करे? नहीं, विकास के मुद्दे पे ही जनता वोट देगी। आज वहां पे राहुल जी ने डिबेट किया था रिवर फ्रंट पे होके, आज तुम रिवर फ्रंट ऐसी जगह थी एक कि वहां आदमी सांस नहीं ले पाता था, वो जगह पे वो आके बोलते कि विकास नहीं हुआ। आज आदमी वहां सांस लेने जाता है, अपनी हेल्थ के लिए जाता है, ये विकास नहीं है तो क्या हुआ? वो काका ने बोला अभी, बोले रोड वहां छोटे थे, बोले वो रोड बड़े हो गए, तो ये सब किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया, बीजेपी ने सरकार ने किया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास आप गुजरात में है, पैसा नहीं है तो गुजरात में आपके लिए सुविधा नहीं है। कितना सच मान? गलत बात है।
गलत बात है। कैसे? ऐसा तो यहाँ से लोग कमा के जाते ना, हर स्टेट के लोग यहाँ काम करने आते हैं। गुजराती कभी कहीं बाहर कमाने गया ऐसा देखा आपने? गुजरात में धंधा रोजगार है, पैसा गुजरात में। आपसे जानना चाहेंगे चश्मा क्यों लगाया आपने पहले? चश्मा लगाया, मैं अभी जॉब पर जा रहा था और अभी निकल रहा था, देखा भाजपा का विकास की बातें चल रही है, मैं रुक गया। मैंने बोला इस पहन लीजिए, पहन लीजिए चश्मा सर, पहन लेता। अभी अभी ऐसी बात है कि अभी मेरे कॉरपोरेटर राजू भाई ने, कांग्रेस के कॉरपोरेटर राजू भाई ने बताया कि विकास नहीं हुआ है। वो करीबन यहाँ पे 20 साल से कांग्रेस की सरकार के कॉरपोरेटर आ रहे हैं। हमारे विनोबा भावे नगर में और रामू लाथीजावर में कहीं पर भी उन्होंने विकास नहीं किया है। जितना भी बजट आता है उन लोगों ने उनके इलाकों में डाला है, जहाँ जहाँ कार्यकर्ता रहते वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। दूसरा कि भाजपा सरकार के अंदर माननीय प्रदीप सिंह जी जाडेजा गृह मंत्री है, अभी मजबूत गृह मंत्री है हमारे यहाँ। जैसे कि मानो के उन्होंने दारूबंदी लाया, आज गरीब के घर में जो दारू की प्रॉब्लम थी, दारू पी रहे थे लोग, तो महिलाओं को अभी सम्मान मिल रहा है दारू की, दारूबंदी के हिसाब से बहुत महिलाओं को जितनी भी प्रॉब्लम। एक सवाल और, इस बार का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव जो है वो बगैर मोदी जी के लड़ा जाएगा, लगता कुछ असर पड़ेगा मोदी जी की? देखो मोदी जी तो है ही हमारे प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक बात है कि मोदी जी के हिसाब से नहीं, यहाँ के विकास जो चल रहा है बहुत बड़ा विकास हो रहा है इस एरिया के अंदर। विजय रूपाणी का कार्यकाल कैसा लगा? नहीं, विजय रूपाणी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने एक साल के अंदर बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है और सब जगह पर सब विकास उन्होंने अपने पूरे गुजरात को साथ में लेकर चले विजय रूपाणी जी, उन्होंने भी बहुत विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर कोई भी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाटीदार समाज जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, और नाराजगी हमने कल देखी जब उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के साथ वो हादसा हुआ, क्या लगता है कि चुनाव तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा या फिर नाराजगी जो है वो जारी रहेगी? देखिए, जहां तक पाटीदार समाज की बात है, वो सालों से बीजेपी को समर्थन देती आई है और देती रहेगी, लेकिन गुजरात के अंदर जातिवाद का जहर डाल के उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो तीन नमूने कांग्रेस ने खड़े किए हैं, वो कांग्रेस उनके सपनों को कभी साकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुजरात की अस्मिता, गुजरात की अखंडता, गुजरात की एकता, गुजरात की शांति और सलामती को उन्होंने जो भंग किया है, जो दुस्साहस कांग्रेस ने किया है पिछले दो सालों के अंदर, कांग्रेस कोई भी परिस्थिति के अंदर गुजरात की जनता कांग्रेस को माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि गुजरात की जनता देशभक्ति को मानती है। जो जेएनयू के अंदर अफजल तेरे हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने वाले लोगों के समर्थन के अंदर उतरने वाली कांग्रेस, जम्मू कश्मीर के अंदर मर जाने आतंकवादियों को बच्चे, प्यारे बच्चे बोलने वाली, उनके समर्थन में खड़े रहने वाली कांग्रेस, अगर देशभक्ति की बात करती है और गुजरात के अंदर जो सत्ता बनाने के सपने देखते हैं, तो ये सपने उनको और यही आरोप कांग्रेस कई लोगों पर अत्याचार हुए हैं। गौरक्षा के नाम पर अगर आपको भी पता है कि हमारे वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर बार अपना स्टैंड क्लियर किया है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी क्लियर किया है कि देश के अंदर कहीं भी गौरक्षा के नाम के ऊपर अगर किसी पे अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी उसका समर्थन नहीं करती है। हर चुनाव में कौन सा मुद्दा रहेगा हावी? मुद्दा तो बहुत बड़ा है, जनता है, जनता कुछ भी बोल सकती है, और हम तो जो कि ड्राइवर आदमी है, हम ऑल इंडिया चलते हैं, लेकिन मैं इस समय ये देख रहा हूँ कि पूरे इंडिया में गुजरात का नाम नंबर वन पर विकास में, और इस समय जो है विकास मोदी जी ने किया है और इतना विकास हम लोगों ने नहीं देखा है। हम बनारस के रहने वाले हैं, बनारस का विकास इस समय टॉप पर चल रहा है, और नैनो कार देखिए आपके जो सदन में आया, ममता जी ने नहीं लिया, मायावती ने नहीं लिया, अगर मोदी जी ने अगर नैनो को लिया तो 10,000 या 5,000 जो विकास जो यहाँ के जनता काम कर रही है तो गुजरात की जनता काम कर रही है। लेकिन लोग तो नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं कि लोग तो कहने की बात नहीं है, हम चार बच्चे हमारे यहाँ चार किस्म के हैं, हम अपने बच्चे को नहीं संभाल सके तो 1.25 करोड़ जनता को एक आदमी संभालने में समर्थ नहीं हो पाएगा, सबका पेट कोई आदमी वो मुख्यमंत्री नहीं भर सकता है। आज कह रहे हैं कि सब्जी महंगा है, हम पैदा नहीं करेंगे तो मार्केट में नहीं जाएगा तो महंगा होगा ही, और सरकार थोड़ी करेगी मोदी जी टमाटर बोकर के आपके घर पहुंचाएंगे या नेनुआ या भिंडी बोकर नहीं पहुंचाएंगे, आप मेहनत करोगे तभी पाओगे आप। तो चाय की चर्चा हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लोगों का रिएक्शन है वो काफी मिला जुला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 18 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है, किस मुद्दे पे वो वोट करेगी। तो आज की चर्चा
कैमरामैन आलोक झा।